हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बस आज छोटा सा एक ब्लॉग बनाने वाली हूँ। तो आज है हमारा रान्ना पूजो, बंगाली में होते हैं, और आज के दिन बहुत सारे सब्जी फ्राई होते हैं, मतलब बैंगन, परवल, चाहे आप कितना भी कर सकते हो, 13-15 ऐसे होते हैं, और आप चाहे 9 भी बना सकते हो। तो मैं ये सारे सब्जी लेके बैठी हूँ, तो अभी काट रही हूँ मैं नारियल, देखिए, और ये सभी चीज़ें आज फ्राई बनेगा। और बनेगा इसे, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे बंगाली में चालदा बोलते हैं। तो ये खट्टा फल होते हैं, तो इसे छीलने के बाद मसूर दाल के साथ हम बनाएंगे, तो जो दाल हमारा खट्टा बनेगा। तो इसका दाल बनेगा और ये नारियल फ्राई और बाकी सारे चीज़ें फ्राई बनेगा। और फिश भी बनते हैं हमारे घर आज, तो दो तरीके का फिश होते हैं, फिश खट्टा वाला भी इमली डाल के बनते हैं और फिश करी भी बनते हैं। लेकिन आज किसी भी सब्जी में हम प्याज वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल खाना है। तो देखते रहिए, बस कुछ नहीं है, बस हम मैं सब्जी काटने बैठी हूँ। अब बस काट लूँगी तो उसके बाद एक एक करके फ्राई करूँगी, और फिर फिश वगैरह जो बनाना है बनाऊंगी। और सबसे बड़ी जो टेंशन की बात है ना, ये फल देखने में तो इतना छोटा सा है, लेकिन इसे काटने में काफ़ी टाइम चला जाता है। तो और मुझे याद है जब ये रान्ना पूजो होता था ना, पहले जब मैं छोटी थी, तो मेरी मम्मी इसको लेके, मम्मी को नहीं काटना आता है, तो मम्मी बड़ी माँ के घर जाते थे कि इसे काट दो, तो उधर जाके वेट करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे दराती से सब्जी काटे जाते हैं, जो दराती में बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल होते हैं इसे काटना। लेकिन मैं इसे चाकू से काटती हूँ, तो बहुत ही आराम से मुझे सबसे आसान लगता है कि ये चालदा। और मैं जब जब ये पूजो आते हैं ना साल में एक बार, तब तब मैं मानू को बोलती थी, मानू ये फल मम्मी नानी को ना रुलाती थी कि हर किसी के घर में जाके बोले काट दो काट दो। तो मुझे बहुत ही आसान लगता है। मैंने सोचा था कि इसका कटिंग का एक वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन अभी काफ़ी देर हो चुके हैं और इतने सारे चीज़ें बनेगा, और उसके बाद फिर मुझे अलग से वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिला, तो फिर कभी मौका मिलेगा। ये फल तो वैसे ही मिलता रहता है अभी इस सीज़न में, तो जब कभी नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ इसका वीडियो, कटिंग का वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए ये शुरू करते, पहले मैं काट लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी सब्जी आज बनाने वाली हूँ। तो मानू करेगी मेरी हेल्प तो कटिंग में। और यहाँ पे है ये छोटे छोटे आलू, ये वाले आलू फ्राई होगा हमारा, और ये वाले छोटे ही बनते हैं। और बड़े आलू को अगर आप टुकड़ा करके बनाओगे ना, इतना टेस्ट नहीं आते हैं। और नारियल तो रात सुबह ही छील के और ऐसे करके गए थे, ऐसे अलग करके गए थे, तो बस मैं इसे पील करने के बाद ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज जो खाना बनेगा, कल हम यही बासी खाएंगे, और जो चावल बनेगा उस चावल में हम पानी डाल के रखेंगे, और कल वो पानी वाला चावल बासी, और ये सब सभी चीज़ें जो आज मैं बनाने वाली हूँ वही चीज़ें कल हम पूरा दिन खाएंगे। तो ये एक्चुअली होता है माँ मनसा जी का पूजा होते हैं आज, जो मनसा जी को ये सारे खाना बना बनाने के बाद प्लेट में सजा के मनसा जी को दिया जाता है। लेकिन हम, मेरे यहाँ पे तो है नहीं, तो मैं उनका नाम लेके ऐसी प्लेट में सजा के फिर मैं किचन में ऐसे साइड में रख देती हूँ, क्योंकि हमारे मंदिर में माता रानी का मूर्ति है, तो वहाँ पे नॉनवेज वगैरह तो नहीं रखती हूँ, तो मैं किचन में उनके लिए प्लेट लगा के रख देती हूँ। फिर वो खाना, बाबू तो ये सब चीज़ें नहीं खाते, तो राज खाते हैं, जो उनके मतलब पूजा के बाद 1-1.5 घंटे बाद हम वहाँ से उठा लेते हैं, फिर वही वाला जो थाली होते हैं वो राज खाते हैं। और आज के दिन में अगर आप सुबह नहा भी लिए ना, तो भी ये जब हम खाना बनाने की तैयारी करते हैं प्रसाद की, तब हमें दोबारा नहा के फिर ये सारे तैयारी करना पड़ता है। कल पूजा होगा दुकान में, और आज साफ सफाई चल रहा है दुकान में, तो काफ़ी लेट हो जाएगा राज का आने में। तभी फ़ोन आए थे कि काटना शुरू कर दिया सब्जी वगैरह, मैंने कहा अभी बैठी हूँ। तो जो मैं बोल रही थी
कि हमें 7 बार खाना खाना पड़ता है। और ऐसे यहाँ पे तो हम है ना कि हम सिर्फ घर घर में ही बस हम खा रहे हैं, और एक्चुअली जहाँ पे बहुत ज़्यादा बंगालीज रहते हैं, जैसे हम पुराने जहाँ पे रहते थे वहाँ पे तो क्या है ना, अगल बगल में बंगाली है और उन जिनका होते नहीं है ये, मतलब ये वाला जो फेस्टिवल है ना, फेस्टिवल ही बोल सकते हैं, ये जो रान्ना पूजो है ये हर किसी का नहीं होते, और जिनके नहीं होते और उनको इनवाइट किया जाता है, और काफ़ी बड़े पतीले में चावल बनाया जाता है, और फिर पूरे फैमिली को जैसे दावत में बुलाते हैं ना वैसे ही बुलाया जाता है। लेकिन हमारे आसपास कोई बंगाली है नहीं, और इसलिए बस हम जो बना रहे हैं सिर्फ मैं, राज और मानू खाएंगे। मानू थोड़ा सा ही खाएगी और बाबू बिल्कुल फ्राई वगैरह नहीं खाते हैं। मानू ने आलू की कटिंग ना ऐसे किया जबकि गोल क्यूट कटिंग है खाने लेकिन से मतलब गोल है। करना था। और बाबू क्या खाएगा मुझे नहीं पता, तो मैंने नारियल काट लिया। और यहाँ पे है बैंगन, परवल, करेला और ये सीताफल, और ये जिमीकंद, इसे हमारे में ओल बोलते हैं, और भिंडी भी रखा था तो भिंडी भी लिया है मैंने। देखते हैं कितने तरीके का है सब्जी, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं कितना बनाऊंगी। तो मानू अभी परवल वगैरह छील देगी, तो मैं ये सारे काटने के बाद फिर मैं सारे अच्छे से धो के फिर हल्दी नमक लगा के रखूँगी, फिर उसके बाद शुरू करूँगी मैं बनाना। और ये जो सीताफल है ना, मैं सभी जो चीज़ें बनाऊँगी ना सारे मैं दो दो पीस ही बनाऊँगी, और क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं खाएगा। ये जो छोटा वाला आलू दिखाया था यही सिर्फ मानू खाएगी, और नारियल खट्टे वाले दाल के साथ, खट्टे वाले दाल तो नहीं, ये वाले जो चालदा है इसके जो खट्टे वाले दाल होते ना, बस एक बार आप ट्राई कीजिएगा। और अगर इसकी रेसिपी चाहिए ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसकी वीडियो अपलोड करूँगी। क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे ये फल नहीं मिलते हैं, हमने जहाँ पुराने हमारे वहाँ पे दूसरा घर है वहाँ से कोई देके गया है एक भैया, तो छोटा सा ही मिला है, नहीं तो हर साल 2-3 लेके आते थे इकट्ठा, तो मैं एक बनाती थी और एक रख देती थी बाद में बनाने के लिए, लेकिन इस साल तो एक ही मिला है। और जो भैया देने आए थे ना सुबह ये फल देने आए थे, तो उन्हें भी बोला है खाने के लिए रात को आने के लिए, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, मना तो कर रहे थे। तो अभी फटाफट से काट लेती हूँ क्योंकि काफ़ी लेट खाना खाएंगे और इतनी देर में तो बन ही जाएगा, और आज कोई रेसिपी नहीं बनाना था वैसे भी, थकते था, तो इसे मैं लंबाई में काटूँगी। और मैं ना चॉपिंग बोर्ड है मेरे पास, बट चॉपिंग बोर्ड में रख के ना मेरे से काटा नहीं जाता, तो ऐसे काटती हूँ। मानो मेरा कोई हेल्प नहीं कर रही है, मैं वो कुछ दिया ही नहीं, तो ऐसे काटने में ना मुझे बहुत आसानी होती है, मुझे चॉपिंग बोर्ड का ना हिसाब समझ ही नहीं आता है। बैटरी ख़त्म, चार्ज ख़त्म। तो ये बन गया मेरा आज का पूजा का खाना, और चावल अभी बना नहीं है, बन रहा है, तो बस मेरा जो खड़े होके काम था वो कंप्लीट हो गया और पतीले में बन रहा है चावल। क्या हुआ पूछो पूछो पूछो, क्या हुआ देख, खुजली हो जाए तो फिर देखना, पूछो पूछो पूछो, मैं इधर हूँ। मामा बुला रही है, मामा पूछो इधर आओ, चलो इधर जाओ, इधर जाओ, गुड बॉय, वेरी गुड। क्या हुआ प्यार नहीं किया? हाँ
क्या कर रही थी मैं, काम कर रही थी ना। हाँ बॉल चाहिए, बॉल चाहिए, टॉय चाहिए, टॉय टॉय चाहिए, चाहिए क्या, क्या हुआ, बॉल बॉल लाओ, पूछो। आज मुझे क्यों देख रहे है? अच्छा बॉल मिल गया उसे, नया वाला टॉय लाओ, नया नया टॉय, पूछो नया टॉय चाहिए, पूछो कोई टॉय चाहिए, टॉय के नाम पे तो कान खड़ा हो जाते हैं, टॉय चाहिए, पूछो को टॉय चाहिए, टॉय चाहिए, पूछो। अच्छा ये टॉय है तुम्हारा, दो मुझे दो। लाओ। तो जैसे कि आपने देखा कि पूचू का मूड थोड़ा सा ख़राब हो रखा था, क्योंकि मैं सुबह से काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। तो अब ये पीछे उसका टॉय निकाल रहे हैं ना, तो उसी को देखने के लिए गया है, तो उसका मूड ऑफ है। और जैसे ही मैंने बोला टॉय चाहिए, तो पूचू टॉय के नाम पे तो आप लोगों को पता ही है कि कितना ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो अभी जैसे सुबह से इसका मूड ऑफ था, तो अभी इसके मैंने 2-3 खिलौने ऑर्डर किए थे, तो जस्ट अभी एक आए हैं। तो मैं और मानू ने मिलके एक सोचा है कि इसको पुराने खिलौने के बीच में ना नया वाला टॉय रखूँगी, और वो पहचान पाता है कि नहीं, वो देखते हैं कि, क्योंकि उसे पुराने सारे बॉल पता है। तो अभी इसके पैकेट से निकाल रहे हैं पुराने बॉल, तो कितना इसके टॉय है कुछ भी मतलब अंदाजा ही नहीं है। और आधे तो टीवी के नीचे, बेड के नीचे, सोफे के नीचे, फ्रिज के नीचे, पता नहीं। तो अभी और एक पॉलीथीन में से निकल रहे हैं इसके। और इसे इतना ज़्यादा आदत पड़ चुका है ना ये खिलौने की, रेगुलर जो हमारे सामान आते हैं ना ऑनलाइन, जो भी पैकिंग आते हैं, और उसमें से वो ना अपना मुंह घुसा घुसा के देखते हैं। तो अभी इसके नया टॉय आए हैं, तो मैं उसे लेने के लिए जा रही हूँ। अभी बाहर ही है, अंदर इसलिए लेके नहीं गए और यहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि उसे ना स्मेल से पता चल जाते हैं। हाँ अच्छा, तो मानो कोने कोने से बॉल निकाल रहे हैं इसका, कि कहाँ कहाँ से बॉल, क्योंकि जितना ज़्यादा बॉल होगा उसको उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा ढूंढने में। तो ये अभी मानो के पीछे लगे हैं। तो ये बीच में टॉय रख दिया है पूचू का, और देखते हैं कि वो ढूंढ पाता है कि नहीं। तो इसको खोल देते हैं दरवाज़ा। पूछो टॉय, ओ इसने नया वाला टॉय ही पकड़ा है। पूछो दे दो, दे दो, पूछो पूछो दो टॉय, दे दो टॉय, दे दो, दोगे दोगे नहीं, पानी पियो पानी पियो, खुशी के मारे उसको ना गला ही सूख गया। पूछो इतने सारे टॉय हैं, पूछो पूछो पूछो, इतने सारे टॉय ले लो उसमें से एक। तो वो खुश हो गया नया टॉय पाके। अब तो वो पीछे मुड़ के भी नहीं देगा, रात को सोएगा भी ना तो भी ये नया टॉय को लेके ही सोएगा।
और इतने सारे टॉय में से उसने वही ढूंढा जो नया था। तो मानू ने सारे जो टॉय निकाला था पुराना वाला फिर से उसके बैग में भर के रख रहे, और वो तो अभी बिजी हो गया अपने टॉय में। तो सुबह से उसका मूड ऑफ था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि सुबह से काम कर रही थी, और पता है रोज़ कुछ ना कुछ जब ऑनलाइन सामान आते हैं, कुछ भी आते हैं, हम पैकेट खोलते हैं ना तो उसे लगता है कि उसी का खिलौना है। मतलब जैसे छोटे बच्चे को होता है ना कि नहीं मेरे लिए कुछ आया है, तो ऐसा ही उसका मतलब हाल होता है। और वो पैकेट के अंदर ना ऐसे मुंह घुसा घुसा के मतलब देखता है कि मेरे लिए तो नहीं है कुछ, तो उसको इतना मना करते ना कि नहीं तेरे लिए नहीं है। और अभी बीच में भी मैंने पिछले हफ्ते ही उसका मंगवाया था, लेकिन वो वाला टॉय ना अच्छा नहीं था। तो अभी तो मैं बैठ के टीवी देखूंगी थोड़ी देर, पूजू अपने टॉय में बिजी है, मानू अंदर है और बाबू अभी सो रहा है। तो थोड़ी देर बाद पूजा वूजा का जो भी मतलब करना है वो करके फिर जब राज आएंगे तब फिर खाना वाना खाते हैं। तो रात को खाना कंप्लीट हो गया है, जो भी बच गया है उसे मैंने छोटे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और चावल में डाल दिया है पानी, और कल हमें यही पानी वाला चावल खाना है। तो फ्रेंड्स, आज का ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो नए ब्लॉग के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिएगा।